के अध्यक्ष आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेश बंसल जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष आदरणीय मधु चौहान जी, मेयर श्री सुनील उनियाल गामा जी, अनिता ममगई जी, हमारे विकास नगर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, सचिव ग्राम्य विकास राधिका जी, आयुक्त श्री आनंद स्वरूप जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण, और इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी सैनिक, सभी हमारे सभी वीरांगनाएं, सभी वीर नारियां, सभी हमारे शहीदों के परिजन, जिनको आज मुझे सम्मानित करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्ष बहन ज्योति कोटिया जी, बहन संध्या थापा जी, निर्मला थापा जी, प्रदीप जी और आए हुए सभी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले इस कार्यक्रम, जो कि मेरी माटी मेरा देश, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं मां भारती के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले ऐसे वीर सैनिक, जिन्होंने हंसते हंसते हम सब की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, उनके सभी परिजनों को मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए अपनी तरफ से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज के इस अवसर पर राष्ट्र के लिए अपना जीवन निछावर करने वाले उन अमर शहीदों को भी मैं नमन करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज मुख्य सेवक के रूप में आप सभी को सम्मानित करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और मैं कहना चाहता हूं कि जब जब भी मैं ऐसे अवसरों पर आता हूं, तो मुझे लगता है कि जब भी मैं आप सबका सम्मान करता हूं, तो मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि ये शुभ अवसर भगवान की कृपा से मुझे मिला कि इतने महान लोग, जिन्होंने अपने परिवार के, किसी ने बेटे को खो दिया, किसी ने पति को खो दिया, किसी ने भाई को खो दिया, उन सभी को सम्मानित करके मैं स्वयं को सम्मानित महसूस करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शी, जो उनकी एक सोच है, दूरदर्शी उनका नेतृत्व है, उसके कारण से आज हमें ये वीरों की वंदना करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, जिन्होंने देश की माटी के खातिर अपने प्राणों का बलिदान किया है, अपने परिवार को छोड़ा है, अपनी मां की ममता को भी छोड़ा है। रक्षाबंधन आ रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूं अपनी बहन की राखी को भी छोड़ दिया और हंसते हंसते सीमा पर जाकर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया हम सब की रक्षा के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह प्रण है कि 1947 में हम अंग्रेजों से आजाद हुए थे और 21वीं सदी के तीसरे दशक में हम अंग्रेजों द्वारा थोपी गई इस मानसिक गुलामी से भी आजाद होकर रहेंगे, यह भी उन्होंने प्रण लिया है। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के इस अमृत काल में देशवासियों के लिए जो पंच प्रण दिए हैं, वे प्रण हैं देश की
रक्षा करने वाले शहीदों का सम्मान, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रण, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का प्रण, भारत की समृद्ध विरासत पर गर्व एवं उसका संरक्षण करने का प्रण तथा देश की एकता और अखंडता को अक्षुत रखने का प्रण, जिनका अभी आप सब लोगों ने मेरे साथ यहाँ से शपथ ली है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से आज तक हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ किए गए प्रत्येक अभियान को, मैं कहूंगा वैसे तो पूरे देश के अंदर उनके द्वारा जो भी अभियान प्रारंभ किए, जो भी उन्होंने संकल्प लिए, वो सिद्धि को प्राप्त हुए। लेकिन उत्तराखंड के अंदर हमारे वीर सैनिकों ने, पूर्व सैनिकों ने, हमारी माताओं बहनों ने हमेशा अपने प्रत्येक अभियान को संपूर्ण सहयोग एवं समर्थन दिया। उसी प्रकार मुझे विश्वास है कि मेरी माटी मेरा देश नामक इस महाअभियान को भी पूरे प्रदेश के अंदर संपूर्णता से सहयोग प्रदान प्राप्त होगा। इसके साथ साथ मैं यह भी आप सबसे कहना चाहता हूं कि एक राष्ट्र तभी बनता है जब उसके नागरिकों के मन में अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा एवं अपने सामर्थ्य को पूर्ण विश्वास एवं गर्व का भाव होता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार हर भारतीय के मन में यह विश्वास और यह भाव उत्पन्न कर रही है, यानी कि आज भारत के हर भारतवासी के मन में एक विश्वास जागृत हो गया है। चाहे हमारे आज देश के लिए वीर जवान हो, पहले के समय में आप देखते थे जो सीमाओं पर हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण जीवन को लगाते हैं, 24 घंटे बर्फ पर खड़े होकर, धूप में खड़े होकर, बरसात में खड़े होकर मां भारती की रक्षा को समर्पित रहते हैं। अगर कोई गोली आती थी, हम सबको याद होगा, कोई गोली आती थी तो गोली का जवाब देने के लिए उनको पूछना पड़ता था, आदेश लेना पड़ता था, और आदेश आने में महीनों बीत जाते थे, सालों बीत जाते थे, लेकिन वो आदेश लौटकर नहीं आता था जो एक कंपनी से रक्षा मंत्रालय होते हुए पता नहीं कहां कहां तक जाता था। 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री का दायित्व जब से उन्होंने संभाला, अब देश की सीमाओं पर खड़े हुए हमारे सैनिकों को अगर कोई गोली आती है तो गोली का जवाब देने के लिए किसी से कोई आदेश नहीं लेना पड़ता है, बल्कि अब गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है, हमारे सैनिक करते हैं। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि वीरों की भूमि है और बलिदानियों की भूमि है, और ये बात हमारे सैनिकों ने आज तक हुए सभी युद्धों में सिद्ध की है। अभी प्रेम भाई यहां से कारगिल युद्ध की बात कर रहे थे, गणेश जी उसको दोबारा से कह रहे थे कि 75 सैनिक, 75 वीर हमारे कारगिल के युद्ध में उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन देश का कोई भी युद्ध हो, हर युद्ध में उत्तराखंड के वीर शहीदों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देने का काम किया है, हमेशा बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया है। इसलिए हमारी देवभूमि के साथ साथ ये वीर भूमि भी है जहां हम रहते हैं। हमने हमेशा माना है देशभक्ति सभी प्रकार की भक्तियों से सर्वश्रेष्ठ है। मैं स्वयं एक सैनिक का पुत्र हूं, इसलिए मैं जब भी इस प्रकार के कार्यक्रमों में सम्मिलित होता हूं तो मेरा सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि मैंने बचपन से सेना को देखा है, सेना के साथ मेरा जीवन आगे बढ़ा है। मैं एक सैनिक के परिवार से, एक सैनिक की गतिविधि से और उसके परिवार में होने वाले जो कष्ट होते हैं, जब लड़ाई लगती थी, हम लोग छोटे छोटे होते थे, उस समय किस प्रकार का माहौल होता है, एक सैनिक का बेटा, एक सैनिक की बेटी अपने पिता से मिलने के लिए किस प्रकार व्याकुल होती है, किस प्रकार अपने पिता से लिपटना चाहते हैं, किस प्रकार से आलिंगन करना चाहते हैं। लेकिन वो मैं समझता हूं कि कई बार कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको संपूर्ण जीवन भर ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता है। ये सारा का सारा जो दृश्य है ये मैंने महसूस भी किया है,
मैंने इसको जिया है, मैंने देखा है, इसलिए मैं जब भी आप सबके बीच में आता हूं और ऐसे अवसर पर आता हूं तो बलिदानियों की और जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया गया, जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, तो मेरी आंखें हमेशा नम हो जाती है। मैं उस समय भावुक हो जाता हूं और बहुत बार मैं सोचता हूं, क्योंकि कई बार हमने देखा है आसपास दूर दराज नातेदार रिश्तेदार कितने व्याकुल होते हैं जब किसी सैनिक का पार्थिव शरीर उसके घर आ रहा होता है, और वह भी एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, कई कई बार कई दिन लग जाते हैं, और उन पांच दिनों छह दिनों तक किस प्रकार की स्थिति उस परिवारों में होती है, ये सब हमने नजदीक से देखा है। अभी प्रेम भाई कह रहे थे तो निश्चित रूप से इन्होंने भी बहुत सही चित्रण यहाँ पर किया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से सेना न केवल पहले से ज़्यादा सक्षम और सशक्त हो रही है, बल्कि उसकी यश और कीर्ति संपूर्ण विश्व के अंदर फैल रही है। हर प्रकार से आज सेना भी हमारी तेजी से केवल एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में जिस तेज गति से बढ़ रही है। एक समय था कि हमारा एक बहुत बड़ा जो बजट था वो केवल रक्षा के आयात में लग जाता था। अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी जी के सशक्त नेतृत्व के कारण, दूरदर्शी सोच के कारण से अब आयात की जगह हम निर्यात में तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारी सेना और हमारे रक्षा के उपकरण अब दूसरे देशों को भी निर्यात किए जा रहे हैं। जहां हमारी सेना आज सेना के आधुनिकीकरण पर बल दे रही है, वहीं दूसरी ओर सैनिकों और उनके परिवारों को मिल रही सुख सुविधाओं के प्रति भी विशेष रूप से उसकी चिंता कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सैनिकों के साहस और मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। यही कारण है कि आज हमारे सैनिकों का मनोबल भी आज बहुत बड़ा हुआ है, हर प्रकार से बड़ा हुआ है। दुश्मन को मात तो हमने हमेशा दी, कोई भी युद्ध हुआ हो। और किसी सेना की जब हम बात करते हैं तो भारत की सेना विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली सेनाओं में से एक सेना हमेशा रही है। हमेशा अदम्य साहस, वीरता, पराक्रम, यह हमारी पहचान रही है। लेकिन नेतृत्व कमजोर होने के कारण से बहुत बार हमको पीछे हटना पड़ा। लेकिन आपने देखा होगा अब हमारी सेना हर क्षेत्र में, चाहे गलवान हो, चाहे तवांग हो, चाहे बालाकोट का ऑपरेशन हो, कोई भी ऑपरेशन हो, किसी में भी आज हमारी सेना दुश्मन को धूल चटाने का काम करती है, दुश्मन को उल्टे पौर पांव लौटने को जो है मजबूर करने का काम करती है। ये हमने ये मोदी जी के राजनीतिक नेतृत्व में आज कोई भी दुश्मन हमारी ओर आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं करता है। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देशन में सैनिकों एवं उनके परिवारों को जो मिलने वाली सुविधाएं, उनको बढ़ाने के लिए मैं आप सबसे इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि हम प्रतिबद्ध हैं, हम संकल्पबद्ध हैं। हमने सैनिकों और उनके आश्रितों को मिलने वाली जो अनुदान राशि है उसको बढ़ाने से लेकर सैनिक आश्रितों को राज्य सरकार के अधीन जो नौकरियां हैं वरीयता के आधार पर नियुक्ति देने का निर्णय भी इसी आशय से लिया है। इसके साथ साथ जो वीरता पदक से सम्मानित सैनिक हैं उनकी जो एकमुश्त अनुदान राशि है उसको भी हमने बढ़ाया है। पहले परमवीर चक्र विजेताओं को 30 लाख रुपए की राशि मिलती थी, उसको हमने 50 लाख रुपए किया है। महावीर चक्र 20 लाख मिलते थे, उसको 35 लाख किया है। कीर्ति चक्र को भी 20 लाख से बढ़ाकर 35 लाख किया है। वीर चक्र, शौर्य चक्र 15 लाख से 25 लाख किया है। सेना गैलेंट्री मेडल 7 लाख से 15 लाख किया है। इसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं बेटन की पेंशन प्रतिमा 8,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये भी की गई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उनकी विधवाओं को प्रतिमा पेंशन 21,000 से बढ़ाकर यह भी 25,000। मोदी जी के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुरूप, जिसके बारे में अभी गणेश जोशी जी बता रहे थे, कि जहां पर पूरे उत्तराखंड के हमारे 1700 से भी ज़्यादा जो अमर बलिदानी हैं, अमर शहीद हैं, उनके परिवार के, उनके आंगन की मिट्टी लाकर पांचवें धाम की भी नींव यहाँ रखी गई है। एक और जहाँ भव्य और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत सैन्य धाम तेजी से अपने निर्माण की ओर